नमस्कार, मैं मिताली जैन। आज हम आए हैं जनता की ये राय लेने के लिए कि अग्निपथ स्कीम यहाँ आनी चाहिए या नहीं। तो आइए जानते हैं कि जनता क्या सोचती है इसके बारे में। सर, ये जो अग्निपथ की स्कीम आई है, आपको लगता है ये आना चाहिए या नहीं? देखिए, ये जो स्कीम अग्निपथ जो भारत सरकार ने निकाली है, ये युवाओं को ठगने का काम कर रही है। आर्मी एक नौकरी नहीं है, आर्मी कोई भी नौकरी का जरिया नहीं है। आप 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे जो आर्मी में लोगों की सिलेक्शन कर रहे हो, आप जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके मनोबल को आप गिराने का काम कर रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि जिस उम्र में एक बच्चा जो है अपनी मानसिक रूप, उसकी मानसिकता जो है एक मैच्योर होता है वो, और दुनिया देखने के लिए बाहर निकलता है अपनी ग्रेजुएशन मास्टर्स कम्प्लीट करके अराउंड 24 to 25 ईयर्स ओल्ड में, उस समय क्या हो रहा है कि हमारे जो आर्मी के नौजवान हैं वो जो है अपने जॉबलेस हो जाएंगे। तो आप सोचिए उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा, जहां दुनिया उनसे आगे चल रही है और वो एक ऐसे मुकाम पे आ जाएंगे जहां पे वो अपने आप को उनसे नीचा मानेंगे, तो उनके लिए बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो देश के लिए अपना पूरा जान समर्पण कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी, ये स्कीम जो है सरकार जो लाई है बिल्कुल सही नहीं है, युवाओं को ठगने का काम कर रही है सरकार। और आपके हिसाब से जो यंगर जनरेशन होती है उसके माइंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इन सारे प्रोटेस्ट के चक्कर में? देखिए, यूथ के माइंड पे कोई खास असर नहीं पड़ रहा है इन प्रोटेस्ट से, क्योंकि यूथ को भी समझ में आ रहा है कि प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो जेन्युइन हो रहा है, उनके लिए ही ये मुद्दा है प्रोटेस्ट का, उनका ही मुद्दा है और उस पर हम काम कर रहे हैं। जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो उस पर ही काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट में वायलेंस हो रहा है, आप उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जो भी देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है वो आर्मी में जाने के काबिल नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं। आक्रोश बिल्कुल जायज़ है, आक्रोश जायज़ है, लेकिन आप आक्रोश को वॉयलेंट रूप कभी भी धारण नहीं कर सकते हैं। आप अगर इस तरीके से काम करेंगे तो आप कौन सी देशभक्ति दिखा रहे हो? आप अपने देश के जो भी चीज़ें उसको आप नुकसान पहुँचा के थोड़ी ना आप कोई देशभक्ति दिखा रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। वॉयलेंस कभी भी कोई भी सल्यूशन नहीं होता है। आप शांतिपूर्वक अपनी बात को रखें, हर लोग आपके साथ है, पूरा यूथ आपके साथ है, तो बिल्कुल हम सारे आज भी सेना के साथ खड़े हैं और जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल वो नॉन वॉयलेंस के साथ रहेंगे तो हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद सर। जैसे अभी कल की कॉन्फ्रेंस में ये आया है कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थे, तो आप इस स्टेटमेंट से कितने सहमत हैं? प्रोटेस्ट का हिस्सा इसलिए आ रहे थे, हरियाणा से चले गए जब, ये तो आए हूँ, मेरा फिजिकल क्लियर हो रहा है, मेडिकल क्लियर हो रहा है, मेरा पेपर रह रहा है, हम प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक बैठे थे, आराम से आते ही मारे डंडे मारे, हमने कोई हाँ पुलिस वालों ने ही मारे थे हमारे, आराम से बैठे हम प्रदर्शन कर रहे थे। 4 साल के लिए कोई आर्मी होती क्या? देश को गुलाम करने की बात है ये, 4 साल के लिए आर्मी होती है, पहले उसके बाद आने के बाद तुम्हारे को यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। अब फौज में मेरी टांग कट गई, बाँ कट गई, मैं क्या करूँगा यहाँ पर आगे? 10 लाख का क्या करूँगा मैं? सरकार क्या करूँगा मैं उनका रुपये हुआ? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी फैमिली क्या करेगी? तो कुछ नहीं, सरकार फद्दू बना रही है बस देश को। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं जी, इनकी जब देश का भट्ठा गोल बना दिया तो मैं सारे कूण मिला दिए, इनकी ये बीजेपी आई जब सब कुछ का सारे बड़का ही नौकरी थी, इनकी कुछ नहीं कर जी है, 4 साल करके ये गुंडे बनाओगे बड़का ना, वैसे ये हथियार चलाना सीख जगह घर बैठे बैठे के करेंगे 4 साल बाद ये। सर, जो सरकार ये अग्निपथ की स्कीम लेकर आई है, आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? मैडम, सरकार जो कानून लेके आई है अग्निपथ का, वो सरासर एक थोपा हुआ कानून है, जिसका कि सेना एक अपने आप में सक्षम खुद है, जो अपने फैसले ले सकती है। ये मोदी सरकार ने अपनी बातों को मनवाने के लिए सेना को आगे किया है। सेना तो खुद ही अपने आप में मजबूत है, सेना को आप इंडिकेशन देने वाले कौन होते हो? कौन होते हो आप? आपने नोटबंदी की, तब सरकार ने ना विपक्ष से पूछा ना जनता से पूछा। आपने कृषि कानून बनाए, ना तब आपने जनता से पूछा ना विपक्ष से पूछा। आज ये कानून लेके आए हो आप, ना तब आपने जनता से पूछा ना विपक्ष से पूछा, किससे पूछ के थोप दिया। और सवाल अग्नि उसका ही नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि देश के अंदर 18 से लेकर 45 साल कई लोग ऐसे भी हैं जो बेरोजगार का स्तर बढ़ा हुआ है, सरकार उनके बारे में क्या सोच रही है ये भी दर्शाए। आप अगर नोटबंदी कर सकते हो
कृषि कानून लागू कर सकते हो तो देश के एक एक आदमी को रोजगार भी दे सकते हो, बशर्ते मोदी साहब और अमित शाह साहब आपकी नीयत सही नहीं है। अगर आपकी नीयत सही होती तो देश के ये हालात नहीं होते। धन्यवाद। ये है कि जैसे अग्निपथ के प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो आप इसको किस वे में सपोर्ट करते हैं? आपके अकॉर्डिंग अपना पॉइंट रखने के लिए ये प्रोटेस्ट करना ठीक है? इसमें पॉइंट रखने के लिए प्रोटेस्ट करना ठीक है, लेकिन जो इसमें तोड़फोड़ हो रही है, जो सामाजिक अतत्व घुस गए हैं इसमें, मतलब जो गुट वाले एक होते ना जो भीड़ के हिस्से जो बनते हैं कि चलो यार भीड़ आ गई उसके बीच में घुस के, आपने वीडियो में देखा होगा कि कहते हैं कोई भी तुम्हें 21-19 साल का नहीं दिखेगा तोड़फोड़ करते हुए, बड़े बड़े जो 30-35 साल के जो नौजवान हैं वो दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सामाजिक जो है ना जो दूसरे गुटों के वो बोले कि चलो अग्निवीर का तो चल ही रहा है, इनके बीच में घुस के तोड़फोड़ करो, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये नाम आ रहा है हम बच्चों का। बताओ, हम अपनी आज भी हम अपने शांति से मांग रखने आए यहाँ पे, हमें लठ मार के भगाया गया यहाँ से, हमें बस में भर पूरा खूब मारा है, 30-30 बसें भर के हमारे भाइयों को ले जाया गया, कोई उत्तराखंड से भाई हमारे उत्तराखंड से अल्मोड़ा से आए, इतनी दूर दूर से किस लिए आ रहे हैं? अपनी आवाज को बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं। हमने तो आज कोई गलत काम नहीं करा, हम अच्छे से अपनी बात रखना है, हमें क्यों ले जा रहे हैं, हमें क्यों मारा जा रहा है? हमने कोई गलत काम करा नहीं करा ना, हमें अच्छे से बात रखना है, हमें क्यों हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? हमारा 2-3 साल पहले हमारा दौड़ निकली, हमारा मेडिकल निकला, हमारा पेपर रह गया था, अरे तुम्हें नहीं करना था। ये जरूर इस पे संज्ञान देना होगा, अगर मजबूत इंडियन आर्मी को कमजोर किया जाएगा, 4 साल के दायरे में रख के रिटायर कर देंगे, इस देश का अफगानिस्तान की तरह हाल होगा। तालिबान ने जैसे अफगानिस्तान पे कब्जा किया ना, उसी तरीके से इस देश पे कब्जा होगा अगर भारतीय सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेगी तो। जैसा कि आप सबने देखा कि जनता की क्या राय है अग्निपथ योजना को लेकर, आगे की सूचना के लिए बने रहिए प्राइम न्यूज़ 24 के साथ। मैं मिताली जैन विद कैमरा हार्दिक नेगी।